चलो ये बताओ आवाज आ रही है सभी को आवाज आ रही है तो एक बार यस का मैसेज भेज दो फिर शुरू करते हैं चलो देखो <laughs> चलो कल ये कुछ हमने देखा था बर्नौली इक्वेशन का एप्लीकेशन देखा था उस वाले में एक और एप्लीकेशन है जो मैग्नस इफेक्ट बोलते हैं हम लोग ठीक है ये हमने देख लिया मैग्नेस इफेक्ट मैग्नेस इफेक्ट क्या होगा जैसे मान लो अगर हमने ले लिया अगर कोई भी अगर एक बॉल ले लिया क्रिकेट बॉल जो लेते हैं तो उस केस में हम लोग देखते हैं कि जनरली जो भी अगर क्रिकेटर रहता है वो किसी एक सरफेस को रब करते रहता है ठीक है या तो जैसे मान लिया अपर सरफेस को हमने रब करके और करके हम लोग क्या करते हैं उसको स्मूथ करने की कोशिश करते हैं ठीक है अब जैसे ही अगर आप एक सरफेस स्मूथ करोगे और दूसरा सरफेस अगर रफ होगा तो उस केस में जैसे मान लिया हमने ये जो पार्ट है ये वाला जो होगा अपर सरफेस इसको हमने स्मूथ कर दिया और जो लोअर पोर्शन है वो हमारा ज़्यादा रफ है इन कंपेरिजन टू तो किसके अपर सरफेस के इस केस में जैसे ही अगर आप बॉल को प्रोजेक्ट करोगे मान लो किसी भी वेलोसिटी वी से ले लिया हमने ठीक है v से अगर लोगे तो इस केस में क्या होगा कि यहाँ से हर एक पॉइंट की वेलोसिटी अगर हम एयर जो है वो मूव कर रहा है या हवा चल रही है तो अगर ये नहीं होगा तो उस केस में इस बॉल का जो पाथ होगा वो कुछ इस तरीके से प्रोजेक्टाइल होगा सीधे सीधे होगा बॉल यहाँ पे गिरेगा उसके बाद फिर से इसी डायरेक्शन में जा रहा होगा ठीक है ये बॉल जो आएगी वो सीधे सीधे यहाँ पे ग्राउंड पे स्ट्राइक करने के बाद इसी लाइन पे या इसी प्लेन में सीधे सीधे चली जाएगी अब इस केस में खेलना थोड़ा सा आसान हो जाएगा बॉल सीधे सीधे आ रही होगी। लेकिन अब यहां से देखे कि जैसे एक सरफेस को हमने स्मूथ कर दिया और दूसरे सरफेस को रफ रफ कर दिया तो उस केस में सपोज अगर एयर जो है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है यू वेलोसिटी से अगर एयर ब्लॉक हो रहा है यू वेलोसिटी से तो जो रफ सरफेस होगा रफ सरफेस पे अगर देखेंगे तो उस वाले पोजीशन पे एयर ड्रैग ज्यादा होगा और जो स्मूथ सरफेस होगा उस वाले पोर्शन पे जो एयर ड्रैग होगा वो कम होगा यानी इस पॉइंट की नेट वेलोसिटी अगर मान लो वी वन ले लेते ले ले हैं और जो लोअर पोर्शन है इस पॉइंट की नेट वेलोसिटी वी टू लेते हैं तो इस केस में क्या होगा कि अगर आपने जैसे ही स्पिन कराया स्पिन कराओगे तो इस पॉइंट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी और जो लोअर पोर्शन होगा उस पॉइंट की वेलोसिटी पीछे के डायरेक्शन में जैसे ही हमने स्पिन कराया स्पिन कराने के बाद अगर नेट वेलोसिटी इस पॉइंट का अगर हम लोग देखें तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v1 वन माइनस ऑफ यू के बराबर और जो लोअर पोर्शन है उसकी वेलोसिटी v2 इधर की तरफ और एयर के कारण वेलोसिटी इधर की तरफ तो v2 प्लस किसके बराबर होगा u के बराबर यहां से हम देख सकते हैं कि इसकी वेलोसिटी v1 वन माइनस यू इस वाले पोर्शन की वेलोसिटी v2 दोनों जगह की वेलोसिटी अलग अलग बॉल का अगर लगभग डायमेंशन हम लोग क्या मान लेते हैं कि अगर लगभग सेम है मतलब बहुत ज्यादा अगर इसका डायमेंशन नहीं कंसिडर करे तो पोटेंशियल एनर्जी जो रहेगा वो लगभग लोअर और अपर पोर्सन पे दोनों जगह पे सेम होगा काइनेटिक एनर्जी में डिफरेंस होने के कारण यहाँ पे प्रेशर कुछ पी वन होगा और नीचे वाले सरफेस पे प्रेशर पी टू होगा लोअर वाले पोर्शन की वेलोसिटी ज्यादा है काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है यानी प्रेशर एनर्जी कम होगी और ऊपर वाले की प्रेशर एनर्जी ज्यादा है यानी ये अपने पोर्शन से जो इसका ओरिजिनल पाथ होगा वो उसके हिसाब से ये डिफ्लेक्ट होगा उसके हिसाब से ये क्या हो रहा होगा डिफ्लेक्ट होगा यानी जाना इसको इधर की तरफ चाहिए था लेकिन जाएगा किसी और पाथ पे इसी तरीके से अगर मान लो हमने सपोज अगर बॉल ऐसे ले लिया और उस केस में हमारा ये सरफेस अगर स्मूथ है सरफेस अगर रफ है तो ये जो बॉल होगा वो सीधे जाने की बजाय अपोजिट डायरेक्शन में यानी ये हमारा देखिए तो स्मूथ सरफेस ऊपर है रफ सरफेस नीचे है तो ये किसकी तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है रफ सरफेस वाले की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है यानी जैसे ही अगर आप इस केस में हम इस सरफेस को स्मूथ माने और इस वाले सरफेस को रफ माने तो जैसे ही प्रोजेक्ट करेंगे इधर की, की प्रेशर एनर्जी ज्यादा और दूसरे साइड की प्रेशर एनर्जी कम होगी तो बॉल सीधे जाने की बजाय कुछ और टेढ़े पाथ पे जा रही होगी और इसी कारण से हमें क्या मिलेगा स्पिन मिलेगा और जो बॉल होगा वो अपने ओरिजिनल पाथ से डिफ्लेक्ट होकर के किसी और डायरेक्शन में जा रहा होगा और यही जो इफेक्ट होता है इसी को हम क्या बोलते हैं मैग्नस इफेक्ट ये बताओ क्या क्लियर हुआ सभी को कि बॉल जो गिरने के बाद जो टर्न लेता है वो किस तरह से टर्न लेगा ये क्लियर हुआ सभी को चूंकि ये हमने देख लिया स्मूथ साइड जो है वो वेलोसिटी कम होगी रफ वाले साइड वेलोसिटी ज्यादा प्रेशर एनर्जी का डिफरेंस आएगा तो ये बॉल जो होगा वो डिफ्लेक्ट होगा किसकी साइड रफ वाले की साइड डिफ्लेक्ट होगा और जब रफ वाली साइड डिफ्लेक्ट होगा अगर बॉल हम ऐसे प्रोजेक्ट करें तो उस केस में अगर ये स्मूथ है ये रफ है तो बॉल सीधे जाने के बजाय किसी टेढ़े डायरेक्शन में जाएगा और उस वहां पे जाकर के हमें डिफ्लेक्शन मिलेगा बॉल के ऊपर चलो नेक्स्ट सेटिंग डालो यहाँ पे ये नोट कर लो एक बार जल्दी से नेक्स्ट हेडिंग डालो अब नेक्स्ट हेडिंग डालो रोटेशन ऑफ लिक्विड नेक्स्ट हेडिंग डालो रोटेशन ऑफ लिक्विड रोटेशन ऑफ लिक्विड इन अ कंटेनर आप लोगों को इसका रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा तो एक काम करना जो भी नोट्स जो बनाना है वो उसी वही वही से आप लोग बना लेना ठीक है यहाँ देखते जाओ बस अब अगर हम लोग देखें रोटेशन ऑफ लिक्विड इन अ कंटेनर जैसे मान लो हमने एक केस किया सपोज ये कंटेनर ले लिया कोई भी जैसे सिलेंड्रिकल ग्लास है या फिर बकेट है अब इसके अंदर हमने क्या कर लिया लिक्विड फिल कर लिया ठीक है इसके अंदर लिक्विड हमने किसी वाइ नॉट हाइट तक लिक्विड हमने फिल कर लिया है वाई नॉट हाइट तक लिक्विड जब आप फिल करोगे तो उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस लिक्विड इस कंटेनर को इसके एक्सिस के अबाउट रोटेट करा रहे हैं अगर इसके एक्सिस के अबाउट जैसे अगर हम लोग ऐसा करते हैं कि जब अगर मान लो ग्लास हो गया या बाउल हो गया उसके अंदर कोई लिक्विड फिल है और हम उस कंटेनर को रोटेट करा रहे हैं उस केस में इस लिक्विड का जो शेप होता है वो कुछ इस तरीके का पैराबोलाइड शेप का बनता है ये जो लिक्विड होता है वो रोटेशन जैसे ही कराते हैं तो लिक्विड रोटेट कराओगे तो ये लिक्विड अब ये हॉरिजॉन्टल या इस तरीके से फ्लैट सरफेस होने की बजाय ये एक ऐसा कर्व्ड सरफेस बनाता है और यही हमारा इसको क्या बोलते हैं पैराबोलाइट बोलते हैं ठीक है थेके? अब एक बात देखो यहाँ पे हमें निकालना ये सब चीज पड़ सकता है कि जो लिक्विड जो होगा वो कितनी हाइट तक राइज करेगा अगर हम किसी पर्टिकुलर ओमेगा से रोटेट कराए इसको या फिर ये जैसे मान लो कि लिक्विड जो होगा वो नीचे कितनी दूर कितनी हाइट कितने कितनी, कितनी डेप्थ तक जाएगा या कुछ ऐसा सवाल आ सकता है कि कितनी ओमेगा से रोट रोटेट कराए कि जो हमारा लिक्विड जो हो वो इस कर, बेस को टच कर जाए यानी हम धीरे धीरे अगर एंगुलर वेलोसिटी बढ़ाते जाए तो उस केस में एक, एक पर्टिकुलर एंगुलर वेलोसिटी आएगी जिसके लिए इस कंटेनर का जो बेस होगा वो विजिबल हो जाएगा ठीक है तो अलग अलग एंगुलर वेलोसिटी के लिए यही हमें कैलकुलेट करना होगा कि किसी पर्टिकुलर एंगुलर वेलोसिटी के लिए मैक्सिमम हाइट ऑफ द लिक्विड बता दो या जैसे मान लो मिनिमम डेप्थ की कितना नीचे जा रहा होगा ये अपनी ओरिजिनल हाइट से या फिर किस ओमेगा से ये अगर रोटेट कराए कि इसका बेस विजिबल हो जाए तो देखो यार यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि ये जो सिलेंडर लिया हमने उसका रेडियस किसके बराबर कैपिटल आर के बराबर जैसे ही अगर आप रोटेट कराओगे तो ये कब तक हो? जो सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट होगा उसका रेडियस किसके बराबर होगा कैपिटल आर के और जो लोअर मोस्ट पॉइंट होगा उसका रेडियस कितना हो जाएगा जीरो के बराबर ठीक है देख लेते हैं मान लो किसी भी पॉइंट पे अगर हम लोग एक डीएम मास कंसीडर कर रहे हैं लिक्विड का तो इस डीएम मास जो है उस समय इसका रेडियस किसके बराबर है एक्स के बराबर ठीक है एक्स के बराबर इसका रेडियस है और ये हमने एक डिफरेंशियल एलिमेंट कंसिडर किया जिसका मास हम लोग ले रहे हैं कितना डी एम के बराबर अब एक बार देखो इसके ऊपर अगर देखे तो ये इसके नीचे का जो लिक्विड होगा एक नॉर्मल फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा होगा और कौन सा फोर्स लगेगा तो नीचे एक लग रहा होगा डी एम जी फोर्स जो ग्रेविटी है और ये जो लिक्विड है वो इस तरह से सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो सर्कुलर पाथ पे जब मूव करेगा तो इस पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा बाहर की तरफ जिसकी वैल्यू होगी डी एम ओमेगा बॉक्स में लिख देना तो इसके ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लगेगा नीचे डी एम जी इधर की तरफ डी एम ओमेगा स्क्वायर एक्स के बराबर यहां से अगर देखिये ये एंगल हमने ले लिया कितना थीटा के बराबर तो क्या लिखेंगे इस वाले केस में कि एन कॉस थीटा जो आएगा वो किसको बैलेंस कर रहा होगा डी एम जी को और एन साइन थीटा जो आएगा जो नॉर्मल का इधर कंपोनेंट वो किसको बैलेंस कर रहा होगा डी साइन इक्वल्स टू डी एम स्क्वायर एक्स के बराबर ठीक है यहां से अगर इन दोनों को डिवाइड करें साइन थीटा बाई कॉस थीटा तो टेन थीटा इक्वल्स टू किसके बराबर तो टैन थीटा इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन में किसके जी के बराबर यही आ रहा होगा डीएम से डीएम कैंसिल आउट होगा टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं तो डी वाई अपॉन में कितना डी तो डी इक्वल्स टू तो क्या लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर एक्स अपॉन में कितना जी डी के बराबर अब इसको अगर हम इंटीग्रेट करें तो डी इक्वल्स टू तो किस बराबर ओमेगा स्क्वायर बाई जी इंटू एक्स, -एक्स. मान लो कि इनिशियली जब अगर मान लो सबसे पहले अगर हम लोग देख लेते हैं कि जब x की वैल्यू किसके बराबर तो x की वैल्यू जब कैपिटल आर के बराबर हो जाए तो उस समय ये मान लेते हैं कि ये हाइट जो होगी वो किसके बराबर होगी तो y मैक्सिमम के बराबर होगी और जब x की वैल्यू जीरो तो उस केस में y की वैल्यू किसके बराबर तो y मिनिमम के बराबर x की वैल्यू जब भी जीरो होगी तो हाइट y मिनिमम जब एक्स की वैल्यू सॉरी जो हाइट होगा वो अगर x की वैल्यू अगर r के बराबर तो उस समय हाइट क्या हो जाएगा मैक्सिमम हाइट के बराबर मान लेते हैं कि इन जनरल अगर हम बात करें जब x की वैल्यू किसके बराबर हो जाए x की वैल्यू अगर जीरो हो उस केस में y कितना हो जाएगा y मिनिमम और जब x की वैल्यू क्या हो जाए r के बराबर तो उस समय या इसको हम लोग इन जनरल ले लेते हैं कि जब एक्स की वैल्यू एक्स के बराबर हो जाए उस समय हाइट जो ऑफ द लिक्विड जो है वो y के बराबर यहाँ से एक जनरल इक्वेशन अगर हम फाइंड करें तो क्या आएगा y माइनस ऑफ y मिनिमम इक्वल्स टू बराबर तो ओमेगा स्क्वायर सॉरी ओमेगा बाय जी इनटू इंटीग्रेशन आएगा एक्स स्क्वायर बाय टू के बराबर और लिमिट कहाँ से कहाँ तक तो जीरो से लेकर के एक्स तक तो जो जनरल इक्वेशन आएगा वो वाई इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू जी और प्लस में कितना वाई मिनिमम के बराबर यह आ रहा होगा हमारा जनरल इक्वेशन की वाईस टू किसकेमेगा डीवाई के लिए देखो डीवाईस टू हो गया ओमेगा स्क्वायर एक्स बाई जी इन टू डी एक्स अब मैं ये बोल रहा हूं कि जब अगर रेडियस ये हमने रेडियस एक्स लिया था इस वाले पोजिसन पे धीरे धीरे नीचे जाएंगे तो रेडियस डिक्रीज होगा डिक्रीज होते होते इस पॉइंट पे देखें तो रेडियस किसके बराबर जीरो क्योंकि जैसे जैसे ये ऊपर जाएंगे रेडियस बढ़ेगा नीचे आएंगे रेडियस डिक्रीज होगा तो जब रेडियस एक्स की वैल्यू जीरो तो हाइट किसके बराबर होगी लिक्विड की वाई मिनिमम जब अगर एक्स की वैल्यू आर के बराबर तो लिक्विड की हाइट किसके बराबर वाई मैक्सिमम और इन जनरल अगर हमने लिखा है कि जब एक्स जीरो तो वाई मिनिमम जब एक्स की वैल्यू एक्स तो हाइट किसके बराबर वाई के बराबर, y के बराबर. यहां से हमारे पास एक जनरल इक्वेशन आया और इस केस में देखे इफ एक्स इक्वल्स टू आर हो जाए तो उस केस में वाई जो होगा वो किसके बराबर तो मैक्सिमम के बराबर होगा और यहां से हम लिखेंगे वाई मैक्सिमम इक्वल्स टू ओमेगा प्लस में कितना वाई मिनिमम ये आ रहा होगा हमारा इक्वेशन अगर वाई मैक्सिमम पूछा जाए आपसे तो इस तरीके से लिखना अगर जनरल वाई पूछा जाए कि जो जीरो पॉइंट वन हो उस समय हाइट निकालो तो उसके लिए हम ये वाला इक्वेशन लिखेंगे ठीक है चलो एक बार नोट करो इसको पहले जिनको लिखना है अगर तो जल्दी लिखो एक बार डी एक बार देखो जैसे अब अगर हम लोग ये वाला थीटा अगर देखे ना जैसे ये लिक्विड है यहां से अगर हम लोग देखे ये पार्ट अगर हम लोग देखे थीटा ये हो गया ये जो लाइन का स्लोप तो इस केस में हमारा ये क्या हो जाएगा यहां से अगर देखे तो एक बार देखो ये थीटा हो गया ये डी ये कितना ले लिया डी तो टेन थीटा की टू कितना हो जाएगा डी वाई वाई किसके डी के बराबर ये जो यहां से अगर देखेंगे तो ये थीटा है तो ये भी किसके बराबर थीटा ये अपना कितना होगा नाइनटी माइनस थीटा तो ये किसके बराबर थीटा और ये ले लिया हमने वाई इसको ले लिया एक्स तो टेन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा डीवाई बाई एक्स के बराबर चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखो इस पे यहां एक कंटेनर दिया हुआ है और इसमें हमने लिक्विड जो है वो 0.3 मीटर की हाइट तक फिल कर रखा है 0.3 मीटर की हाइट तक और ये जो लिक्विड है सॉरी इस कंटेनर की जो हाइट है वो 0.6 मीटर के बराबर है इसको रोटेट करा रहे हैं ओमेगा से एक काम करो इसको जीरो पॉइंट टू ले लो ये जीरो पॉइंट टू ले लेते हैं इसको कि जीरो पॉइंट टू मीटर की हाइट तक फिल कर रख मीटर के बराबर अब आ रही आवाज अब क्लियर आवाज आ रही है सभी को ये बताओ आवाज आ रही है चलो यहां से देखो सवाल यहां पे दिया हुआ है बोर्ड पे की एक ये सिलेंडर है इसमें रेडियस दे रखा है जीरो पॉइंट थ्री इसमें जीरो पॉइंट टू मीटर की हाइट तक हमने लिक्विड फिल कर रखा है वाटर ही फिल कर रखा है डेंसिटी वाटर पता है अपने को इसको रोटेट करा रहे हैं टू रेडियन पर सेकेंड से और हाइट दे रखा है जीरो मीटर के बराबर जो सिलेंडर की हाइट जो है वो जीरो मीटर के बराबर है चलो लिखो एक सवाल लिखो एक क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ ओमेगा सॉरी पहले लिखो फाइंड वाई मैक्सिमम एंड वाई मिनिमम पहले क्वेश्चन लिखो फाइंड वाई मैक्सिमम एंड वाई मिनिमम फाइंड वाई मैक्सिमम एंड वाई मिनिमम इस पर्टिकुलर ओमेगा से अगर रोटेट करा रहे हैं तो हमें वाई मैक्सिमम और वाई मिनिमम की वैल्यू निकालनी एक रिलेशन यहाँ पे ध्यान रखना आप लोग कि जो लिक्विड अगर जैसे अगर किसी ओमेगा से रोटेट कराते हैं तो उस केस में एक रिलेशन यहाँ पे पैराबोलाइड पे के लिए वैलिड होता है कि वाई मैक्सिमम प्लस वाई मिनिमम बाई टू जो होता है वो किसके बराबर वाई नॉट के बराबर होता है ये वाई नॉट क्या है कि जिस हाइट तक लिक्विड फिल किया हुआ है ये पैराबोलाइड के लिए याद रखना कि जैसे मान लो ये हमने जैसे इसको रोटेट करा रहे हैं तो ये इस पर्टिकुलर ओमेगा मैक्स वाई मैक्स तक जा रहा है ये जो होगा वो हमारा कौन सा होगा वाई नॉट इस हाइट को हम बोलेंगे कौन सा वाई मिनिमम और ये जो रहता है वो हम लोग निकालते हैं इसको क्या लिखते हैं वाई मैक्सिमम ठीक है इसके बीच में वाई नॉट के साथ एक रिलेशन याद रखना कि वाई मैक्सिमम प्लस वाई मिनिमम बाई टू जो होता है वो कितना होता है वाई नॉट एक बार कैलकुलेट करो वाई मैक्सिमम और वाई मिनिमम की वैल्यू एक बार आंसर आ जाए तो यस yes का मैसेज लिख देना चलो एक बार देखो इधर यहां से जो हमारा इक्वेशन आया था पहले तो जो इन जनरल इक्वेशन जो y मैक्सिमम और y मिनिमम में रिलेशन आया था y मैक्सिमम क्या लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई टू जी और प्लस किसके तो y मिनिमम के यही इक्वेशन आया था यहाँ से देखो y मैक्सिमम मान लेता हूँ मैं y2 के बराबर ठीक है और y मिनिमम y1 के बराबर Y2 equals to मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे ओमेगा तो तो कितना ट्वेंटी यही आ रहा होगा और प्लस में कितना आएगा तो y मिनिमम के बराबर इसको मैंने ले लिया वाई वन के बराबर यहां से सॉल्व करें तो ये किसके बराबर फाइव हो जाएगा यानी वाई टू इक्वल्स टू यहां से किसके बराबर तो नाइन अपॉन में कितना फाइव हंड्रेड यानी ये हम ऐसे लिख सकते हैं कि वाई टू माइनस ऑफ वाई वन किसके बराबर होगा नाइन अपॉन में फाइव हंड्रेड एक इक्वेशन यहां से मिलेगा और दूसरा रिलेशन हमें यहां से मिलेगा वाई मैक्सिमम प्लस वाई मिनिमम वाई मैक्सिमम यानी वाई टू प्लस वाई वन किसके बराबर हो जाएगा तो टू इंटू वाई टू इन वाई नॉट यानी किसके बराबर हो जाएगा जीरो पॉइंट फोर के बराबर ये इक्वेशन टू यहाँ से दोनों ऐड करोगे टू वाई टूल टू किसके बराबर तो नाइन अपॉन फाइव हंड्रेड अगर करें तो ये किसके बराबर होगा नाइन बाई फाइव हंड्रेड तो ये हो जाएगा अपने पास कितना वन पॉइंट एट अपॉन में हंड्रेड यानी जीरो पॉइंट जीरो के बराबर तो यहाँ से ऐड कर दो किसके बराबर आएगा जीरो पॉइंट जीरो वन एट और प्लस में आएगा 0.4 यानी y इक्वल्स टू 0.418 अपॉन में कितना 2 यानी y2 की वैल्यू मैक्सिमम y2 की वैल्यू कितना हो जाएगा तो 0.209 मीटर के बराबर ये आ जाएगा अपने पास 0.209 मीटर और y मिनिमम अगर हम लोग निकाले तो y मिनिमम की वैल्यू आ जाएगी यानी y1 इक्वल्स टू किसके बराबर तो क्वेश्चन लिख देंगे 0.4 पॉइंट फोर माइनस ऑफ जीरो पॉइंट टू जीरो नाइन यानी ये आएगा लगभग किसके बराबर तो 400 हंड्रेड माइनस यानी जीरो पॉइंट वन नाइन वन के बराबर क्लियर हुआ सभी को ये बता भाई चलो दो पार्ट एक काम करो घर से लिख घर के लिए लिख लो इसी का दो पार्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ ओमेगा लिखो फाइंड द वैल्यू ऑफ ओमेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ ओमेगा सच दैट सच दैट वॉटर विल स्प्लिट आउट सॉरी वॉटर विल स्पिल आउट फाइंड द वैल्यू ऑफ ओमेगा सच दैट वॉटर विल स्पिल आउट हमें वो ओमेगा की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए क्या होगा कि वॉटर जो होगा इससे बाहर निकलने वाले कंडीशन में आएगा एंड फाइंड वाई मिनिमम एट दैट पॉइंट एंड फाइंड वाई मिनिमम एट दैट पॉइंट यानी क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि जैसे ही हमने ये सिलेंडर लिया अगर हम इसको रोटेट कराना शुरू कर देते हैं तो किस ओमेगा के लिए जब ये बाहर आना शुरू होगा तो कुछ ऐसा केस बन रहा होगा अब इस तरीके का केस बनेगा कि लिक्विड जो होगा ये ऊपर इस लेवल तक पहुंचेगा यानी कहाँ तक जीरो पॉइंट सिक्स मीटर की हाइट तक पहुंच जाएगा लिक्विड लिक्विड जो होगा वो जीरो पॉइंट सिक्स मीटर की हाइट तक पहुंचा हुआ रहेगा इसके जस्ट बाद क्या होगा कि लिक्विड बाहर आना शुरू हो जाएगा ठीक है और उस समय हमें वाई मिनिमम की वैल्यू निकालनी है ठीक है कि जिस ओमेगा के लिए वाटर लगभग बाहर आना शुरू होगा उस समय वाई मिनिमम की वैल्यू निकालनी नेक्स्ट पार्ट लिखो फाइंड द वैल्यू ऑफ ओमेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ ओमेगा सच दैट Find the value of omega such that base will be visible. Such that base will be visible. Find the value of omega such that base will be visible. यानी अब ये केस ऐसा है कि हमें किस ओमेगा के लिए जो लिक्विड जो होगा वो कुछ इस तरीके का केस बन रहा होगा यानी लिक्विड का लेवल नीचे एकदम टच कर रहा होगा यानी मिनिमम हमारा जीरो होगा तो किस वैल्यू ऑफ ओमेगा के लिए बेस जो होगा वो हमारा विजिबल होगा वो वैल्यू कैलकुलेट करनी है और इसी में लिखो एंड फाइंड एंड फाइंड परसेंटेज ऑफ लिक्विड एंड फाइंड परसेंटेज ऑफ लिक्विड that will be in the container at that time and find the percentage of the liquid that will be in the container of the sorry that will be in the container question likh liya sabhi ne पहला सवाल ये निकालना अपने को कि किस ओमेगा से इसको रोटेट कराए ताकि ये वाटर जस्ट बाहर आना शुरू हो उस समय हमें y मिनिमम भी निकालना है दूसरी बात कि किस ओमेगा से रोटेट कराए कि बेस विजिबल हो और कितना लिक्विड उस समय कंटेनर के अंदर प्रेजेंट रहेगा ये कैलकुलेट करना अपने को ठीक है थेके? चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो फोर्स ड्यू टू अ लिक्विड नेक्स्ट हेडिंग डालो फोर्स ड्यू टू अ लिक्विड फोर्स ड्यू टू अ लिक्विड चलो मान लेते हैं कि किसी भी पाइप के थ्रू जो है लिक्विड जो है वो फ्लो हो रहा है और ये लिक्विड जो है वो किसी कांस्टेंट वेलोसिटी वी से फ्लो कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी वी से फ्लो कर रहा है यानी यहां पे वेलोसिटी कितनी वी और जो डेंसिटी ऑफ लिक्विड दिया हुआ है वो किसके बराबर रो के बराबर अब जब लिक्विड इसके उप, इससे बाहर निकलेगा तो सपोज अगर किसी भी वॉल के ऊपर या किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर फॉल हो रहा है है तो क्या कुछ कुछ ना फोर्स कुछ एग्जर्ट करता है यहां पे ये इसके ऊपर आता है तो यहाँ पे क्या करेगा जब भी वॉल के ऊपर अगर फॉल हो रहा है तो इस वॉल के ऊपर कुछ ना कुछ ये फोर्स एग्जर्ट करेगा और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ले लिया हमने किसके बराबर स्मॉल ए जो है वो किस ये ए जो है वो क्या है क्रॉस सेक्शन एरिया section एरिया ठीक है चलो अब यहां से देखो कि इस वॉल के ऊपर अगर फॉल हो रहा है तो इसके ऊपर फोर्स एग्जर्ट होगा हम ये केस कंसिडर कर रहे हैं कि ये जो वॉटर है जस्ट फॉल होने के बाद ये एकदम से रेस्ट पे आ जा रहा है ठीक है जैसे ही अगर मान लो पानी इसके ऊपर गिरा उसके बाद सीधा रेस्ट पे आ जाता है रेस्ट पे आया उसके बाद फ्रीली फॉल होना शुरू हो जाएगा तो इस केस में अगर हम लोग देखें तो इनिशियल मोमेंटम जो फोर्स अगर देखे तो फोर्स एफ की वैल्यू जो आएगी एफ इक्वल टू क्या होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स जो आएगा वो आएगा रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यही आएगा हमारा फोर्स सेकेंड लॉ जो है न्यूटन का सेकेंड लॉ यही हमें बताता है यानी एफ इक्वल टू किसके बराबर होगा तो डेल्टा पी अपॉन में कितना डेल्टा टी के बराबर डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी तो यहां से देखो ये वी वेलोसिटी से बाहर आ रहा है तो इनिशियल मोमेंटम जो है वो किसके बराबर इनिशियल मोमेंटम तो यहां से देख लेते हैं कि डेल्टा टी यानी टी टाइम में कितना लिक्विड जो है वो इसके ऊपर फॉल हो रहा है क्योंकि सारे लिक्विड किस वेलोसिटी से आ रहे हैं वी वेलोसिटी से इस वॉल के ऊपर आ रहे हैं इस वॉल के ऊपर स्ट्राइक कर रहे हैं तो कितना मोमेंटम के साथ कितना मोमेंटम टी टाइम में इसके ऊपर आ रहा है तो यहां से देखिए तो टी टाइम में कितनी दूर का वाटर जो होगा वो यहाँ बाहर क्रॉस कर चुका करेगा तो v इन टू के बराबर कुछ दिन पहले ही मैंने बताया था कि v इन टू वाला पार्ट जो है वो कैसे आएगा जो एक सेकेंड अगर कोई लाइन जो है वो दो मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है तो एक सेकेंड में कितनी दो मीटर की लाइन पूरी क्रॉस कर जाएगी तो अगर ये वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो टी टाइम में ये कितनी दूर का पूरा पानी बाहर चलाएगा वी इन चूंकि जो मोमेंटम होगा हम यही देखेंगे कि कितना मास इसके ऊपर स्ट्राइक कर रहा है इनटू उसकी वेलोसिटी तो कितनी दूर का पूरा का पूरा वाटर इसके ऊपर स्ट्राइक करेगा तो वी इंटू टी डिस्टेंस का सारा पानी इसके ऊपर आ चुका रहेगा तो जो मास होगा ये सीधा सीधा यही होगा मास इंटू वेलोसिटी वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है सबके तो मास कितना तो अब एक बार देखो इस वॉल्यूम में जितना मास होगा वही मास जो होगा इसके ऊपर आके स्ट्राइक कर रहा होगा तो क्या लिखेंगे डेंसिटी रो इनटू जो वॉल्यूम आएगा वॉल्यूम क्या होगा अपना तो जो क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू कितना लेंथ क्रॉस सेक्शन एरिया किसके बराबर है ए और लेंथ कितना वी टी ये हमारा टोटल मास होगा जो कि टी टाइम में इस वॉल के ऊपर फॉल हो रहा होगा और इनटू कितना लिखेंगे वी ये हमारा हो गया इनिशियल मोमेंटम रो इनटू ए इनटू वी स्क्वायर इनटू कितना टी फाइनल मोमेंटम अगर देखिए तो फाइनल मोमेंटम हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि फाइनली ये जैसे ही स्ट्राइक कर रहा है वो रेस्ट पे आ जा रहा है रेस्ट पे आने के बाद वो सीधा नीचे फ्रीली फॉल हो रहा है तो उसमें फ्रीली फॉल वाला केस हमें उसके बाद कंसिडर नहीं करना आके जस्ट इस पे स्ट्राइक करके रेस्ट पे आ रहा है तो फाइनल मोमेंटम जीरो यानी एफ इक्वल्स टू किसके बराबर तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन में टोटल टाइम टीम

तो वाटर का चेंज इन मोमेंटम किधर की तरफ तो अपोजिट डायरेक्शन में तो इसके ऊपर वाटर के ऊपर फोर्स जो मोमेंटम है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और यहाँ पे इसके ऊपर वॉल के ऊपर किधर फोर्स लगेगा तो ये टुवर्ड्स राइट right, तो ये फोर्स ऑन वॉल जो है वो राइट right डायरेक्शन में और लिक्विड के ऊपर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ऑन लिक्विड और सही बात है जितना लिक्विड इसके ऊपर फोर्स एग्जर्ट करेगा उतना ही वॉल भी इसके ऊपर एग्जर्ट करेगा यानी अगर फोर्स ड्यू टू लिक्विड अगर देखना हो फोर्स ड्यू टू लिक्विड अगर देखे तो हम मैग्निट्यूड के तौर पे क्या लिख सकते हैं लिक्विड रो यहां पे रो क्या है डेंसिटी स्मॉल ए क्रॉस सेक्शन एरिया और वी जो है वो वेलोसिटी है जिसके कारण जिसके साथ लिक्विड मूव कर रहा है ठीक है चलो क्या क्लियर हुआ सभी को फटाफट बोलो क्लियर हो गया चलो यहां पे देखो अब नोट करो जल्दी से एक बार चलो अब यहां से देखते हैं मान लो ये क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि ये कंटेनर है ये जो एक यहाँ पे एक होल बनाया हुआ है जो कि यहाँ से एच हाइट पे है और इस लेवल तक हमने लिक्विड पोर कर रखा है और यहां ये वाले की हाइट टू एच सॉरी टू एच है ठीक है ये हमने देख लिया कि यहां से ये यह हमने ले लिया एक्सिस और एक इस तरीके से पाइप बेंड कर रखा है यहां से देखो ये 90 डिग्री से बेंड किया हुआ है मैंने ये जो है नाइन्टी डिग्री से मतलब ये अगर एक सिलेंडर है सिलेंडर स्ट्रक्चर है तो यहाँ से पहले पाइप एक ऐसा निकला है फिर उसके बाद 90 डिग्री का टर्न लिया है ठीक है और इस वाले में भी ऐसा ही है 90 डिग्री से यहाँ पे बेंड हुआ है यहाँ पे आप एक बार देखो अलग अलग वेलोसिटी से दोनों दो, दोनों जगह पे लिक्विड अलग अलग वेलोसिटी से जाएंगे ये रेडियस हमारा किसके बराबर कैपिटल आर और ये भी किसके बराबर है कैपिटल आर के बराबर और यहां से ये इस आर्म की लेंथ भी कितनी है कैपिटल आर के बराबर हमें निकालना है फाइंड द टॉर्क लिखो फाइंड द टॉर्क ड्यू टू द लिक्विड ऑन सिलेंडर फाइंड द टॉर्क ड्यू टू लिक्विड ऑन सिलेंडर सवाल क्लियर है सभी को एक सिलेंडर है सिलेंडर में पहले यहाँ से एच डेप्थ पे एक होल है और एक टू एच पे होल है यहाँ से सिलेंडर में से एक ऐसी पाइप निकली हुई है नाइन्टी डिग्री का टर्न लिया फिर यहाँ पे सिलेंडर से एक ऐसी पाइप निकल के फिर नाइन्टी डिग्री का टर्न लिया अब ये पूरा लिक्विड बाहर आ रहा होगा लिक्विड बाहर आ रहा होगा तो अभी एक बात सोचो कि जो लिक्विड इस वाली पाइप से होगा उसकी वेलोसिटी कितनी ले, ले लेते हैं v2 और ये किसके बराबर होगा तो रू टू जी एच के बराबर रूट टू जी इन हाइट जो भी रहेगा तो यहां से देखो ये रूट टू इंटू जी इन इसके डेफ कितने टू एच के बराबर कल ही मैंने बताया था टू इंटू जी इंटू कितना आएगा टू एच के बराबर और ये किसके बराबर आ जाएगा तो टू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ जी एच यही आएगी वेलोसिटी यहां से देखे तो इससे लिक्विड बाहर आ रहा होगा वी वन से और इसकी वेलोसिटी होगी रूट टू जी एच के बराबर अब अगर हमें टॉर्क निकालना है मान लो ये अपने पास सिलेंडर है और ये ऐसे पाइप जा रहा है तो ये इस पे लिक्विड जो होगा वो इस पे फोर्स ऐसे लगा रहा होगा लिक्विड जैसे ही बाहर निकलेगा फोर्स इस पे इस डायरेक्शन में दूसरा जो पाइप अगर ये इधर वाला देखे तो इस पे जो लिक्विड इधर बाहर निकलेगा तो इस पे फोर्स पीछे के डायरेक्शन में तो यहां से देख सकते हैं कि इस पे ये जो इस पे फोर्स लगेगा वो ऐसे रोटेट कराना चाहेगा और इस पे जो फोर्स लगेगा पीछे के डायरेक्शन में तो ये भी ऐसे ही रोटेट कराना चाहेगा यानी दोनों के कारण एक टॉर्क लगेगा और दोनों सेम डायरेक्शन में इसको रोटेट कराना चाहेंगे इस सिलेंडर को तो टाउ वन की वैल्यू अगर देखिए तो टाउ वन इक्वल टू किसके बराबर तो आर इन टू एफ नाइन्टी डिग्री है तो फोर्स इधर लग रहा है आर यही लेंगे तो आर जो हो जाएगा जो पोजिशन वो कितना टू आर और फोर्स तो रो एवी स्क्वायर तो ये किसके बराबर होगा तो टू आर और इंटू किसके बराबर तो रो इन टू क्रॉस सेक्शन एरिया अगर दिए चाहिए तो यहाँ पे लिख लो क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों पाइप का किसके बराबर बराबर है A के बरावर. तो रो स्मॉल और इंटू कितना आएगा वी वन स्क्वायर और वी वन स्क्वायर दोनों का टॉर्क सेम डायरेक्शन में तो कितना आ जाएगा तो वी वन स्क्वायर यानी हो जाएगा टू इंटू जी इंटू एच के बराबर टाउ टू की वैल्यू अगर देखे तो ये कितना तो इसका पोजिशन वेक्टर कितना टू आर और इन टू कितना आएगा? तो रो इन टू स्मॉल को क्या लिखोगे तो फोर इंटू जी इंटू एच के बराबर दोनों टॉर्क सेम डायरेक्शन में तो टाउ नेट जो आएगा वो किसके बराबर टाउ वन प्लस टाउ टू ये कितना होगा फोर और ये हो जाएगा एट तो कितना हो जाएगा फोर और एट हो जाएगा 12 टेल्व इंटू रो इंटू ए इंटू जी इंटू एच इंटू आर के बराबर यही हमारा कौन सा जाएगा टॉर्क ऑन द कंटेनर ड्यू टू लिक्विड क्या ये क्लियर हुआ सभी को क्लियर हो गया ये चीज सभी को एक बार देखो मैं ये बोल रहा हूं कि यहां से जैसे लिक्विड यहां तक फिल किया हमने इससे नीचे पे पे एक यहां पे होल बना हुआ है और एच डेफ पे भी एक होल बना हुआ है यहां से एक पाइप ऐसे रहा है फिर 90 डिग्री का टर्न ले रहा है यहाँ से एक बार पाइप पा आ रहा है और एक 90 डिग्री का टर्न ले रहा है ठीक है यहाँ से हमें पता है वेलोसिटी कितनी होगी तो रूट टू जी एच के बराबर होता है यहाँ पे एच की जगह पे टू एच आएगा कितना होगा टू रूट यहाँ पे रूट टू जी एच हो जाएगा तो जब अब लिक्विड यहाँ से अगर देखे ये एक कंटेनर मानो और यहाँ से एक पाइप ऐसे जाके इधर की तरफ टर्न हुआ है तो इसपे अगर वी टू वेलोसिटी से जा रहा है तो लिक्विड जो होगा इसके ऊपर फोर्स ऐसे लग रहा होगा इस डायरेक्शन में लगेगा तो ये इसको एक टॉर्क ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में प्रोवाइड करेगा तो टॉर्क की वैल्यू किसके बराबर तो यहाँ से फोर्स निकाल लिया हमने फोर्स कितना तो रो इन टू ए इंटू एंटू, एंटू, वी स्क्वायर फोर जी एच इन कितना टॉर्क यहाँ से तो आर इन टू एफ लिखेंगे तो ये हमारा आर हो गया और यहाँ से परपेंडिकुलर जो लग रहा है वो फोर्स तो आर इन टू निकाला दोनों सेम डायरेक्शन में कर रहे हैं तो टॉर्क एड कर दिया मैंने टॉर्क की डायरेक्शन एक बार देखो जैसे मान लो अपने पास यहाँ पे एक कंटेनर है और ये ऐसे ट्यूब जाके इस तरफ जा रहा है जब लिक्विड ऐसे बाहर निकलेगा क्या फोर्स ऐसे बाहर इसके ऊपर ऐसे लगेगा और अगर जब फोर्स ऐसे लगेगा और ये कंटेनर है फोर्स ऐसे लग के इसको इस तरह से रोटेट कराना चाहेगा क्या क्लियर हुआ ये चीज क्लियर हुआ ये बताओ भाई तो डायरेक्शन क्लियर हो गया इस पे फोर्स ऐसे लगेगा ये आर इधर की तरफ आर क्रॉस एफ करो ये ऐसे रोटेट कराना चाहेगा ठीक है चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो विस्कोसिटी नेक्स्ट डालो विस्कोसिटी अब एक बार देखो विस्कोसिटी में क्या होगा जैसे हम लोग फ्रिक्शन फोर्स की जो बात करते थे तो जैसे जो एनएलएम के जस्ट बाद जो पढ़ा था हमने वहां पे हम लोग बात करते थे दो सॉलिड सरफेस के बीच के फ्रिक्शन फोर्स की कि एक सरफेस है उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट दूसरा रखा हुआ है सॉलिड ऑब्जेक्ट अगर वो मूव कर रहा है और वो रफ है तो उनके बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स लगता था और जो अपोजिंग फोर्स लगता था वही हमने क्या बोल दिया था फ्रिक्शन फोर्स अब ये चीज हमने ऑब्जर्व किया कि लिक्विड के अंदर भी ये प्रॉपर्टी होती है कि जैसे ही अगर एक लिक्विड जो है या लिक्विड का एक लेयर हम लोग कंसिडर करें जैसे मान लो अगर कहीं पे भी वाटर फिल किया हुआ है या कोई भी अगर लिक्विड है तो उसको अलग अलग लेयर्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं कि एक लेयर ये हो गया दूसरा तीसरा चौथा इनफाइनाइट नंबर ऑफ लेयर्स में हो जाएगा अगर मान लो ये वाटर का फ्लो रहा है या रिवर के अंदर ही फ्लो रहा है तो उसमें बहुत सारे लेयर में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं उस फ्लो को जो भी लिक्विड है या अगर ग्लास के अंदर ही अगर लिक्विड रखा हुआ है तो उसमें भी हम बहुत सारा लेयर हम लोग डिफाइन कर सकते हैं तो ये हमने ये चीज़ ऑब्जर्व किया कि जब भी अगर लिक्विड फ्लो होता है तो उस केस में एक लेयर जो लिक्विड जो फ्लो होगा और दूसरा लिक्विड जो होगा तो वो पहला एक लेयर जो लिक्विड का होगा वो दूसरे के मोशन को अपोज करता है एक लेयर का जो मोशन होगा वो दूसरे लेयर के मोशन को अपोज करता है है ठीक और इसी अपोजिंग फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं विस्कस फोर्स यानी जैसे मान लो अगर सपोज ये फ्लो करना चाहता है तो उसके नीचे वाला लेयर जो होगा वो इस मोशन को अपोज करेगा जैसे वहां रिलेटिव मोशन अप... को ये अपोज करता है फ्रिक्शन वैसे यहाँ पे भी है कि लिक्विड के अंदर कि दो कंसेक्यूटिव लेयर्स के बीच का जो रिलेटिव मोशन होता है उस चीज को वो भी एक दूसरे के रिलेटिव मोशन को अपोज करते हैं और इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं विस्कोसिटी और जो ये अपोजिंग फोर्स एक दूसरे पे लगाते हैं इसको हम लोग बोलते हैं विस्कस फोर्स इसी को हम बोलते हैं कौन सा विस्कस फोर्स बोलते हैं ठीक है भाई चलो अब मान लो हम लोग देखते हैं कि एक के दो तरीके का फ्लो हमें पॉसिबल है एक हमारा क्या होगा जैसे रिवर वाला जो फ्लो है कि नीचे कुछ बेस या ग्राउंड जो भी अवेलेबल है उसके ऊपर लिक्विड जो है वो पूरा ओपनली फ्लो हो रहा है दूसरा कैसा हो सकता है कि एक पाइप के अंदर का जो स्ट्रक्चर हो पाइप के अंदर जो है वो अगर लिक्विड फ्लो हो रहा है तो ये दो केस हम लोग कंसिडर करेंगे तो मैंने अभी क्या बताया कि जैसे ही अगर मान लो कि पहला केस हम लोग देखते हैं यहां से देखो फर्स्ट केस हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं कि जब एक सरफेस यहाँ पे है और इसके ऊपर लिक्विड जो है वो फ्लो हो रहा है ये हमने मान लिया जैसे रिवर का जो फ्लो होता है या अगर किसी टेबल के ऊपर हमने अगर लिक्विड पोर कर लिया तो लिक्विड पोर कर लिया तो उसके ऊपर वो लिक्विड भी फ्लो होता है तो वो केस कैसा है एक नीचे एक सरफेस है और उसके ऊपर लिक्विड का फ्लो हो रहा है ठीक है भाई ये हमने मान लिया एक हॉर्जोनटल सरफेस है और इसके ऊपर लिक्विड फ्लो हो रहा है ये मान लिया ये हमने अलग अलग लिक्विड लिया ये एक लेयर हमने ले लिया ये दूसरा लेयर लिया ये तीसरा ऐसे बहुत सारे लेयर्स हम लोग बना सकते हैं अब ये अलग अलग जो लेयर हम लोग बना रहे हैं तो इस केस में क्या होता है कि जैसे मान लो जो लेयर इस ग्राउंड या इस सरफेस के कांटेक्ट में होता है उसकी वेलोसिटी जो होती है वो ऑलमोस्ट जीरो होती है क्योंकि इनके बीच में ये भी लिक्विड के अंदर भी यही प्रॉपर्टी होती है कि वो एक दूसरे के रिलेटिव मोशन को अपोज करेंगे तो जो लेयर इसके कांटेक्ट में होगा उसकी वेलोसिटी कितनी होगी तो जीरो के बराबर एक ये लेयर जो कांटेक्ट में होगा जैसे यानी एक बार देखो जो नदी का जब नदी के अंदर या रिवर के अंदर जब वाटर का फ्लो होता है तो जो लेयर जो सबसे निचला लेयर होता है जो कि जो रव, रिवर का जो बेस होता है उसके कांटेक्ट में हो तो वहां पे कोई लिक्विड का फ्लो एग्जिस्ट नहीं करता है यानी जो फ्लो जो लिक्विड यहाँ पे कांटेक्ट में ग्राउंड के उसकी वेलोसिटी किसके बराबर है जीरो के बराबर कितनी है वेलोसिटी जीरो अब ये चाहता है कि यहाँ पे क्या रहे इसकी वेलोसिटी जीरो है तो इसके ऊपर वाले की भी वेलोसिटी ये क्या चाहता है कि वो भी हमारे ही साथ रहे लेकिन ऊपर वाला अगर मूव करता है तो उस केस में ये जैसे मान लो कुछ वी वेलोसिटी से अगर मूव करने लगा तो मूव करेगा तो ये लेयर जो है वो इसके ऊपर एक अपोजिंग फोर्स लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में क्योंकि ये भी चाहता है कि ये जो अपर लेयर है वो हमारे साथ रहे तो इस कारण से ये अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा और यही फ्रिक्शन फोर्स को हम क्या बोलते हैं विस्कस फोर्स फिर अगर इसके ऊपर वाला देखे तो इसके ऊपर का जो लेयर है वो और इससे ये मूव करना शुरू करेगा और ज्यादा वेलोसिटी से तो ज्यादा वेलोसिटी से मूव करेगा तो ये लेयर लेयर इस वाले के, को भी अपोज करेगा और पीछे की तरफ एक अपोजिंग फोर्स लगा रहा होगा ठीक है यानी जो सेकेंड लेयर है उसके ऊपर भी एक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में ये फ्रिक्शन फोर्स यही सारा क्या होगा विस्कस फोर्स का कारण होगा और इसकी वेलोसिटी जो होगी v2 इसी तरह से जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे हर एक लेयर की वेलोसिटी क्या होती जाएगी बढ़ती जाएगी यहाँ से ये हमने ले लिए यहाँ से वेलोसिटी v2 हो गया इसकी वेलोसिटी v3 इसकी v4 फोर यहाँ से देखिए तो इसकी वेलोसिटी v5 इसके ऊपर वाला लेयर देखिए तो ये कितने से जा रहा होगा v6 से यानी हम लोग जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे वर्टिकली अपवर डायरेक्शन में वैसे, वैसे वैसे लेयर्स की जो वेलोसिटी होगी वो इंक्रीज होती जाएगी और उनके ऊपर ये अपोजिंग फोर्स क्योंकि रिलेटिव स्लिपिंग हो रही है तो उस कारण से ये क्या होगा कि इस पे एक अपोजिंग फोर्स जो होगा नीचे वाला लेयर लगाता रहेगा ठीक है इस तो वाले के ऊपर किधर लगाएगा आगे की तरफ तो हर एक लेयर जो है एक दूसरे पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं ये लेयर इसके ऊपर पीछे लगा रहा है तो ये इसके ऊपर आगे चूंकि ये बोलेगा कि तुम आगे चलो ये बोलेगा नहीं तुम साथ में रहो और रुके रहो यानी मेरी वेलोसिटी के बराबर से डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा ठीक है और जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे वेलोसिटी क्या होती जाएगी इंक्रीज होती जाएगी यानी ये जो एरो जो बनाया मैंने वो ज्यादा बड़ा इसीलिए बना रहा हूं ताकि जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी यानी हम क्या लिखेंगे v1 वन इज लेस वी टू लेस वी थ्री लेस वी फोर लेस वी फाइव लेस देन वी सिक्स यानी जैसे जैसे हमारा ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे वेलोसिटी इंक्रीज होगी और जो सबसे टॉप लेयर होगा उसकी वेलोसिटी जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है ठीक है एक तो हमें कुछ इस तरीके का फ्लो देखने को मिला दूसरा फ्लो कौन सा कि जैसे मान लो किसी पाइप के अंदर अगर लिक्विड का फ्लोर है जैसे मान लो ये हमने ले लिया एक पाइप और इसके अंदर जो है सपोज अगर कोई लिक्विड का फ्लो हो रहा है तो उस केस में जो फिर यहां से देखेंगे कि जो लिक्विड इस अपर लेयर जो अपर सरफेस जो है पाइप का उसके कांटेक्ट में रहेगा और जो लोअर सरफेस है पाइप का उसके कांटेक्ट में रहेगा दोनों की वेलोसिटी जीरो यानी जो भी लिक्विड का लेयर इन दोनों सरफेस के कांटेक्ट में होगा दोनों की वेलोसिटी कितनी जीरो फिर इस केस में कैसा होगा जो सबसे मिडिल पार्ट होगा उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा उसके बाद जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे वेलोसिटी जो होगी, वो डिक्रीज डिक्रीज होती जाएगी।, जाएगी।, जाएगी। होते होते क्या होगी जीरो से देखो यानी हमारे पास अगर देखिए सबसे मिडिल वाले पार्ट की सबसे ज्यादा जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे वेलोसिटी डिक्रीज होते होते ये ऊपर वाले पार्ट की वेलोसिटी यानी जो कांटेक्ट में है पाइप के उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी और ये लोअर वाले की वेलोसिटी जीरो ठीक है तो इसकी वेलोसिटी यानी यहां से लिखे तो v1 v2 v3 v4 और v5 ऐसे ही होगा क्या v5 ग्रेटर देन v4 ग्रेटर देन v3 इस तरीके से होगा तो ये हमारा हो गया वेलोसिटी का स्ट्रक्चर जब अगर लिक्विड जो हो या विस्कस लिक्विड जो हो या तो एक ओपन सरफेस पे फ्लो हो और या फिर किसी एक पाइप के अंदर फ्लो क्या क्लियर हुआ ये चीज ये बताओ पहले क्लियर <coughs> हुआ ये चलो अब यहां से देखते हैं कि एक और चीज आएगा यहां की बात कर रहे हम लोग एक आएगा ये टर्म आगे आएगा क्योंकि जब विस्कस फोर्स डिफाइन कर रहे होंगे उस समय एक वर्ड आएगा वेलोसिटी ग्रेडियंट वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब क्या होगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ हाइट ठीक है वेलोसिटी अब एक बार देखो कि मान लेते हैं हम लोग किसी भी ये हमने एक सरफेस ले लिया यहां से अगर देखते हैं इसके ऊपर अगर कोई लिक्विड यहाँ से वाई हाइट पे अगर एक लिक्विड है और लिक्विड लेयर की जो वेलोसिटी है वो कितनी वी है इससे अगर डी वाई हाइट ऊपर जाने पे वेलोसिटी में इंक्रीमेंट होगा और वेलोसिटी अब इस लेयर की जो वेलोसिटी होगी वो किसके बराबर तो v प्लस डी के बराबर ठीक है भाई क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे अगर उपर, एक सरफेस के ऊपर लिक्विड का फ्लो हो रहा है तो उस केस में वाई हाइट पे वेलोसिटी v है तो उससे ऊपर वाले की कितनी होगी v प्लस डी तो ये वेलोसिटी ग्रेडियंट हमें क्या बताएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ हाइट तो वेलोसिटी ग्रेडियंट हम डिफाइन करेंगे कैसे तो एक बार देखो डी हाइट में कितने में चेंज आया तो डीवी का तो जो वेलोसिटी ग्रेडियंट आएगा वो किसके बराबर होगा तो डीवी में कितना डी वाई यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ हाइट ठीक है चलो लिखो यहां पे एक पॉइंट लिखो इसके बारे में वेन वन लेयर ऑफ अ लिक्विड लिखो वेन वन लेयर ऑफ अ लिक्विड moves on another layer of the liquid when one layer of the liquid moves on another layer of liquid then an opposing force then an opposing force act between them then an opposing force acts between

एंड द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच विस्कस फोर्स एक्ट इज कॉल्ड विस्कॉसिटी इज कॉल्ड विस्कॉसिटी चलो अब ये हम लोग देखते हैं कि यहां पर जो विस्कस फोर्स जो होता है दो सरफे दो लिक्विड के लेअर के बीच में तो ये न्यूटन ने ऑब्जर्व किया था ये हमारा जो फॉर्मूला है ये न्यूटन ने दिया था कि जैसे ही अगर मान लो कि एक सरफेस के ऊपर अगर लिक्विड का फ्लो हो रहा है तो इस केस में हम लोग क्या देखेंगे लिक्विड का अगर लिक्विड का फ्लो हो रहा है तो यहां से हम क्या देखेंगे कि जो फोर्स होगा जो विस्कस फोर्स होगा वो प्रोपोर्शनल होता है किसके तो जो सरफेस एरिया जो कांटेक्ट में होते हैं किसके जो सरफेस एरिया कांटेक्ट में होते हैं जैसे मान लो हमने ये चीज देखा कि सपोज ये लिक्विड का फ्लो हो रहा है सरफेस के ऊपर कितना एरिया जो है एक लेयर का लिक्विड का दूसरे एरिया दूसरे लेयर के लिक्विड में के साथ कांटेक्ट में उसके प्रोपोर्शनल है यानी जैसे मान लो सपोज अगर हमने देखा कि ये अगर सपोज इतना ये सपोज फोर मीटर स्क्वायर का एरिया है और इस फोर मीटर स्क्वायर पे लिक्विड फ्लो हो रहा है तो उस केस में हर एक जो लेयर होगा वो उसके नीचे वाले के फोर मीटर स्क्वायर एरिया के कॉन्टेक्ट में होगा वही अगर देखिए अगर मैंने दोनों हाथ अगर इस तरीके इतना सरफेस एरिया ले लिया तो अब क्या होगा हर एक लेयर जो होगा दूसरे लेयर के एट मीटर स्क्वायर एरिया के कॉन्टेक्ट में होगा तो ये बताता है कि जो विस्कस फोर्स जो होगा तो जो एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट है उसके प्रोपोर्शनल होगा यानी पहले फोर मीटर स्क्वायर एरिया में था तो फोर मीटर स्क्वायर एरिया वाले कांटेक्ट में था तो उसमें विस्कस फोर्स कम लगेगा दूसरे वाले केस में ज्यादा लगेगा ठीक है इसके बाद ये प्रोपोर्शनल होता है किसके तो वेलोसिटी ग्रेडियंट के यानी वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होगा तो dv वी बाई के ऑब्वियस बात है डीवी बाई डी मान लो अगर एक ऐसा अगर देख लिया हमने सपोज थ्री मीटर थिकनेस की वेलोसिटी ये सॉरी लेयर ले लिया थ्री मीटर का अब थ्री मीटर का लेयर लिया लिक्विड का अब इस केस में क्या हो गया कि अगर थ्री में जीरो से लेके दस तक हो गया लिक्विड अगर हम लोग देखे जीरो से लेकर के यहाँ पे लो जो सबसे कॉन्टेक्ट में होगा उसकी वेलोसिटी कितनी जीरो और अपर सरफेस की हमने वेलोसिटी ले ली दस मीटर पर सेकंड के बराबर कोई एक दूसरा लिक्विड लिया केस में क्या होगा कि यहाँ से अगर देखिए टू मीटर पर सेकंड सॉरी ट्वेंटी मीटर पर सेकंड हो गया ठीक है अब इस केस में अगर देखिए तो dv वी बाई डी जो हुआ वो किसके किस में ज्यादा हुआ तो यहां से अगर देखिए तो इस केस में जो होगा तो ये जीरो से टेन पहुंचने में थ्री मीटर का लिया इसने और ये लिया जीरो से लेकर के ट्वेंटी तक पहुंचने में थ्री मीटर का लिया तो जो dv वी बाई डी होगा वो किसके बराबर तो इसके लिए ट्वेंटी बाई थ्री और इसके लिए कितना टेन बाई थ्री ठीक है तो ये हमारा dv वी बाई डी बताएगा कि किस रेट से वेलोसिटी जो हो रहा है वो डिक्रीज हो रहा है यानी एक बार देखो ये हम लोग देखेंगे कि यहां से अगर मान लो दस से जीरो होने में इसने तीन मीटर लगा तीन मीटर के डेफ्थ में दस से जीरो हो गया और दूसरे वाले केस में ट्वेंटी से जीरो होने में तीन मीटर का टाइम तीन मीटर का हाइट लगा तो ज्यादा विस्कस कौन सा होगा पहला वाला कि दस से जीरो होने में वो एक मिनट दस से जीरो होने में कितना लगेगा वो तीन मीटर का ले रहा है यहां से देखेंगे तो एफ जो होगा वो प्रोपोर्शनल टू किसके क्रॉस सेक्शन एरिया जो कांटेक्ट में होगा प्रोपोर्शनल टू किसके से हम लिखेंगे किसके में कितना dy के बराबर डीवी अपॉन में कितना डी वाई ये जो एक मिनट देखो ये जो आएगा ये कितने का चेंज आया बीस मीटर का चेंज आया थ्री मीटर में और इसमें दस मीटर का चेंज आया थ्री मीटर में ज्यादा कौन सा होगा ये वाला, किसका ज्यादा होगा इस वाले का ट्वेंटी और दूसरे वाले का टेन बाई थ्री सोचो काफी ज्यादा लग रहा होगा यानी इस वाले केस में जो विस्कस फोर्स होगा ज्यादा और सेकेंड वाले केस में विस्कस फोर्स क्या होगा यानी टेन मीटर वाले पर सेकेंड वाले केस में विस्कस फोर्स कम होगा ठीक है क्योंकि बीस से जीरो होने में अगर सोचो ऐसे समझ लो कि वेलोसिटी अगर 20 से 0 होने में मैं 3 मीटर चल रहा हूं और दूसरे केस में 10 से 0 होने में मैं 3 मीटर चल रहा हूं तो रिटार्डेशन किस में ज्यादा होगा 20 वाले में केस में यानी रिटार्डेशन ज्यादा यानी इस केस में विस्कस फोर्स क्या होगा ज्यादा होगा तो fb प्रोपोर्शनल टू किसके a dv dy यहां से ये ऐसा भी लिखा जाता है क्योंकि अपोजिंग फोर्स होता है तो ये भी हम लिखते हैं कि प्रोपोर्शनल टू किसके माइनस ऑफ ए इंटू कितना डी अपॉन में कितना डी वाई के बराबर और यहाँ से लिखेंगे एफ बी एफ टू जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है ईटा और इस ईटा को हम लोग लिखते हैं कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा जो होता है ये हमारा क्या होगा कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी कोफिस ऑफ विस्कोसिटी ठीक है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा का अगर हम लोग यूनिट देखें तो ईटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं एफवी इनटू डीवाई अपॉन में कितना ए इनटू कितना डीवी तो इसको हम क्या लिखेंगे न्यूटन मीटर अपॉन में कितना मीटर स्क्वायर और यहां से क्या लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड मीटर पर सेकंड यहां से ये कैंसिल आउट हुआ मीटर से मीटर क्या लिखेंगे न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर और इसी को हम बोलते हैं डेका पॉइज भी बोलते हैं जो कि सीजीएस यूनिट होता है डेका पॉइज ठीक है और जो सी सॉरी ये डेका पॉइज कौन सा ऐसा SI यूनिट होगा डेका पॉइज जो होगा ये दोनों ऐसा SI यूनिट होगा डेका पॉइज या फिर न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर मान लो हमने अगर सीजीएस यूनिट अगर लिखना हो सीजीएस यूनिट के तौर पे हम लोग क्या लिखते हैं सीजीएस यूनिट जो होता है ये होता है हमारा सीजीएस यूनिट पॉइज और वन डे का पॉइज इक्वल्स टू जो होता है वन डे का पॉइज इक्वल्स टू होता है टेन पॉइज के बराबर तो जनरली हमारा जो भी दिया रहा है डे का पॉइज ध्यान रखना यहाँ पे थोड़ा सा अजीब लगता है डे का पॉइज जो है वो एस SI है ये चीज ध्यान रखना कि डे का पॉइज जो रहेगा वो ऐसा SI होता है क्योंकि जनरली कभी कभी क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट पॉइज में दिया हुआ रहेगा तो ऐसा नहीं कि उसको ये पॉइज ही यूज कर लिया उसको आप सॉरी यूनिट SI में कन्वर्ट कर लेना तो डे का पॉइज हमारा एसाई होता है और पॉइज कैसा होता है, है? सीजीएस हो गया यहाँ तक सभी को चलो अब यहां से देखते हैं हम लोग कि जो फ्रिक्शन फोर्स और विस्कस फोर्स के बीच कुछ सिमिलैरिटी वगैरह होती है और कुछ डिसिमिलैरिटी भी होती है ठीक है जो सिमिलरिटी अगर देखे तो उस केस में क्या होगा कि पहली चीज कि ये दोनों क्या होते हैं रिलेटिव मोशन को अपोज करते हैं जैसे मान लो अगर फ्रिक्शन फोर्स की बात करें तो वो भी क्या होता है कि दो सॉलिड सरफेस के बीच का जो फ्रिक्शन फोर्स होता है उसको अपोज करता है जो हमारा विस्कस फोर्स होता है वो भी क्या करेगा कि दो लिक्विड का जो लेयर होगा उसके बीच का जो रिलेटिव मोशन होता है उस चीज को अपोज करता है ठीक है तो पहला क्या हो गया कि ये रिलेटिव मोशन को अपोज करता है रिलेटिव मोशन को अपोज करता है सेकंड कि ये दोनों फोर्सेज जो होते हैं वो किसके कारण होते हैं तो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन के कारण मैंने बताया था जब फ्रिक्शन पढ़ाया था उस केस में बताया था कि जो इंटर मोलिक्यूल जो दो सरफेस होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स के बीच के अट्रैक्शन फोर्स के कारण जो होता है फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होता है यही चीज़ विस्कस फोर्स के लिए भी होता है कि दो लिक्विड लिक्विड की अगर दो लेयर की बात करें तो उनके दो लेयर के बीच के जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होते हैं उसके कारण ये डेवलप होता है तो चाहे विस्कस फोर्स हो या फ्रिक्शन फोर्स हो दोनों किसके कारण डेवलप होगा तो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स के कारण ठीक है भाई चलो पहला देख लिया हमने रिलेटिव मोशन को अपोज करता है दूसरा इंटरमोलिकुलर जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उसके कारण डेवलप होता है कुछ डिसिमिलैरिटी भी है तो वो अगर देखें तो फर्स्ट डिसिमिलैरिटी क्या होगी कि ये क्रॉस सेक्शन है अगर मान लो हम लोग बात करें किसकी तो जो रहता है डिपेंड है। है नहीं करता है क्योंकि मैंने बताया था फ्रिक्शन फोर्स जो होगा दो सरफेस के बीच का तो वो क्रॉस सरफेस एरिया जो कांटेक्ट में होता है उस पर डिपेंड नहीं करता है जबकि विस्कस फोर्स जो होगा वो डिपेंड करता है ठीक है सेकेंड हम लोग देखते हैं सेकेंड केस में क्या होगा कि ये रिलेटिव मोशन पे डिपेंड करता है ये रिलेटिव मोशन पे डिपेंड करता है ये रिलेटिव मोशन पे डिपेंड नहीं करता है यानी अगर मान लो दो एक सरफेस है अगर ये इस इसके ऊपर अगर एक ब्लॉक अगर दस मीटर पर सेकेंड से जाए या बीस से जाए या चालीस से जाए अगर स्लिपिंग हो रही है तो हमेशा फ्रिक्शन कितना लगेगा एफ इक्वल टू के इन टू एन के बराबर ये यही लग रहा होगा लेकिन यहाँ पे ये रिलेटिव मोशन पे डिपेंड नहीं किया कि 10 से मूव करे 20 से 40 से 50 से हर एक केस में अगर स्लिपिंग हो रही है तो भाई फ्रिक्शन तो एफ म्यू के इन एन ही लग रहा होगा लेकिन इस केस में रिलेटिव मोशन पे डिपेंड करता है क्योंकि एफ जो है वो देख लिया हमने डी वी बाई डी अगर मान लो दो सरफेस के बीच का अगर मोशन ज्यादा ये रिलेटिव मोशन अगर ज्यादा हो गया जैसे इसका दस ले लिया इसका दो मीटर पर सेकेंड और एक ऐसा लिक्विड लिया जिसमें अपर वाले की बीस है और नीचे वाले की तीन है तो यहाँ पे रिलेटिव कितना है आठ और यहाँ वाले पे सत्रह तो ये जो सेकेंड केस का जो लिक्विड होगा वो ज्यादा विस्कस होगा ठीक है तो ये रिलेटिव मोशन पे डिपेंड करता है तीसरा अगर हम लोग देखे तो ये जो रहता है ये जो विस्कस फोर्स होगा वो नॉर्मल पे डिपेंड नहीं करता है जबकि ये जो फ्रिक्शन फोर्स है वो नॉर्मल पे डिपेंड करता है ठीक है चलो लिखो यहाँ हेडिंग डालो बिटवीन similarities between viscous force and friction force similarities between viscous force and friction force first click, both opposes relative motion both opposes relative motion between two layers बोथ अपोजिट रिलेटिव मोशन बिटवीन टू लेयर्स नेक्स्ट वाइन लिखो बोथ एक्ट ड्यू टू बोथ एक्ट ड्यू टू मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बोथ एक्ट ड्यू टू मॉलिकुलर अट्रैक्शन उसके बाद लिखो डिसिमिलैरिटीज बिटवीन फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स डिसिमिलैरिटीज बिटवीन विस्कस फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स फर्स्ट लिखो एक कॉलम बना लो विस्कस फोर्स का दूसरा बना लो फ्रिक्सन फोर्स का विस्कस फोर्स में लिखो इट डिपेंड्स अपॉन इट डिपेंड्स अपॉन सरफेस एरिया इन कॉन्टेक्ट इट डिपेंड्स अपॉन सर्फेस एरिया इन कॉन्टेक्ट फ्रिक्शन वाले में लिख लो डिपेंड्स फ्रिक्शन वाले में लिख लो डिपेंड्स सेकेंड लिखो विस्कस फोर्स में लिखो इट डिपेंड्स अपॉन इट डिपेंड्स अपॉन रिलेटिव मोशन बिटवीन टू लेयर्स इट डिपेंड्स अपॉन रिलेटिव मोशन बिटवीन टू लेयर्स फ्रिक्शन में लिखो डजेंट डिपेंड फ्रिक्शन में लिखो डजेंट डिपेंड चलो उसके बाद लिखो थर्ड पॉइंट इट विस्कस फोर्स में लिखो इट डजेंट डिपेंड अपॉन इट डजेंट डिपेंड अपॉन नॉर्मल बिटवीन टू लेयर्स इट डजेंट डिपेंड अपॉन नॉर्मल बिटवीन टू लेयर्स फ्रिक्शन में लिखो इट डिपेंड्स अपॉन इट डिपेंड्स अपॉन नॉर्मल बिटवीन टू लेयर्स चलो से देखते हैं अगर मान लो, है, तो लो डिपेंडेंसी देखे अगर हम लोग जो विस्कोसिटी है तो टेम्परेचर पे अगर हम लोग डिपेंडेंसी देखे विस्कोसिटी का तो टेम्परेचर पे लिक्विड के लिए अगर देखे टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी तो विस्कोसिटी एट एनी टी टेम्परेचर इक्वल्स टू ईटा नॉट अपॉन में वन प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी होता है ये जो टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी होता है ये किसके लिए लिक्विड के लिए, लिए। जहाँ पे ईटा नॉट जो है विस्कोसिटी एट विस्कोसिटी एट जीरो डिग्री सेल्सियस विस्कोसिटी कितने पे जीरो डिग्री सेल्सियस अल्फा बीटा क्या होंगे कांस्टेंट होते हैं यही अगर देखे तो जो विस्कोसिटी होता है वो प्रोपोर्शनल टू टी होता है किसके लिए गैस के लिए गैस के लिए जो होगा वो टेम्परेचर के स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल होगा और लिक्विड की डिपेंडेंसी कुछ इस तरह से होती है नेक्स्ट अगर हम लोग देखें प्रेशर के लिए प्रेशर पे अगर डिपेंडेंसी देखे तो लिक्विड का जो प्रेशर लिक्विड की जो विस्कोसिटी होती है वो ईटा जो होता है वो इंक्रीज होता है कब अगर प्रेशर इंक्रीज हो लिक्विड की विस्कोसिटी क्या होगी इंक्रीज होती है अगर प्रेशर इंक्रीज हो एक्सेप्ट किसके वाटर के एक्सेप्ट किसके वाटर के वाटर का जो होता है वो डिक्रीज होता है भाई ठीक है और तीसरा यहाँ पे नेक्स्ट देखे तो गैस के केस में वहां पे ईटा जो होता है डजेंट डिपेंड्स अपॉन प्रेशर डिपेंड अपॉन प्रेशर यानी जो विस्कोसिटी गैस के लिए होगा वो प्रेशर पे डिपेंड नहीं करेगा डिपेंड अपॉन प्रेशर डिपेंड अपॉन में किस पे प्रेशर ठीक है चलो नोट कर लो इसको फटाफट ये जो लेयर है ये हमने एक ऑब्जेक्ट रखा है ठीक है भाई ये एक विस्कस फ्लूड है इसके ऊपर रख दिया हमने ठीक है जो फ्लूड की जो विस्कोसिटी सॉरी लेयर है वो है जीरो पॉइंट थ्री मीटर के बराबर ठीक है और जो सरफेस एरिया कांटेक्ट में है वो दे रखा है जीरो पॉइंट वन सिक्स मीटर स्क्वायर यानी इसका जो सरफेस एरिया कांटेक्ट में है वो जीरो पॉइंट वन सिक्स मीटर स्क्वायर के बराबर है अब ये क्या हो रहा है कि इस केस में ये जो मास है इसका एम की वैल्यू दे रखी कितना ही एम इक्वल्स टू दिया हुआ है जीरो पॉइंट जीरो वन के जी और ये कांस्टेंट वेलोसिटी वी से आ रहा है और वी की वैल्यू दे है जीरो पॉइंट जीरो एट फाइव मीटर पर सेकंड ठीक है हमें निकालना है फाइंड द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड फाइंड लिक्विड फाइंड कोंट ऑफ विस्कॉसिटी ऑफ लिक्विड फाइंड कोसिटी ऑफ ऑफ लिक्विड चलो अब इस केस में क्या होगा यहां पे देखिए अगर तो इसके ऊपर एक फोर्स नीचे कौन सा लग रहा होगा एम जी और ये टेंशन टी जो होगा वो एम जी के बराबर होगा और ये टेंशन टी यहाँ पे भी लग रहा होगा और एक बार देखो अगर ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो ये भी कैसे स्पीड से कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा और कांस्टेंट स्पीड से कब मूव करेगा जब इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो यानी जो टेंशन टी है वो विस्कस फोर्स के बराबर हो जाए टेंशन टी जो हो वो किसके बराबर विस्कस फोर्स के बराबर हो जाए यानी टीवल टू कितना हो जाए एफ वी के बराबर और टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी एम जी के बराबर इक्वल्स टू विस्कस फोर्स जो आएगा तो मान लेते हैं इसकी कोसिटी ईटा इन टू एरिया ए दिया हुआ है इन टू डी वी पॉन में कितना डी वाई अब एक बार देखो ये डी वी बाई डी वाई कैसे निकालेंगे तो मैंने अभी बताया कि जो लेयर सबसे निचले वाले पार्ट पे कांटेक्ट में होगा उसकी वेलोसिटी कितनी जीरो और जो ऊपर वाला होगा उसकी वेलोसिटी वी के बराबर ठीक है तो जिस रफ्तार से ये मूव करेगा उसी रफ्तार से ये नीचे नीचे वाला लेयर मूव कर रहा होगा जस्ट इसके जीरो तो डीवी बाई डीवाई कितना हो जाएगा तो वी माइनस जीरो अपॉन में जीरो पॉइंट थ्री ठीक है टेंशन वाला देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये अगर कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है तो नीचे एम जी तो ऊपर टेंशन टी क्योंकि तो इसके ऊपर एफ नेट जो होगा वो जीरो लगेगा एफ नेट जीरो होगा यानी एम जी टू कितना टी यहाँ पे टी तो यहाँ पे टी तो इसके ऊपर कब लगेगा टेंशन टी जब विस्कस फोर्स जो हो वो टी के बराबर हो तो एम जी टू मैंने बता दिया ईटा इंटू ए इंटू डी वी बाई डी वाई यहाँ से सोल्व करना है ईटा इक्वल टू क्या लिखोगे एम जी इंटू इसको मैं लिख देता हूँ डेल्टा वाई अपॉन में एरिया इंटू कितना डेल्टा वी के बराबर ठीक है mg की वैल्यू किसके बराबर mg की वैल्यू m की वैल्यू दे रखी है 0.01 10 किसके बराबर डेल्टा वाई जो लिखेंगे वो कितना 0.3 अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया जो आएगा वो कितना आएगा 0.16 और इनटू डेल्टा वी जो आएगा 0.085 इसको सॉल्व कर लेना आंसर आ जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो ये थीटा थीटाइक वस्तु दे रखा है थर्टी डिग्री और इसके ऊपर एक लिक्विड जो है विस्कस लिक्विड हमने यहां पे पोर कर रखा है और इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ये क्यूबर्ड है सॉरी क्यूब है ये चीज ये क्यूब है और क्यूब की जो साइड है साइड ऑफ क्यूब जो दे रखा है साइड ऑफ क्यूब हमें दे रखा है किसके बराबर टू मीटर दे रखा है साइड ऑफ क्यूब दे रखा है टू मीटर और इसकी थिकनेस हमें निकालनी है इसकी थिकनेस टी कितनी है अगर ये कांस्टेंट स्पीड से आ रहा है और इस वी की वैल्यू दे रखी है हमें टेन मीटर पर सेकेंड टेन टू दावर माइनस वन पॉइंट और मास दे रखा है किसके बराबर ट्वेंटी के जी थिकनेस ऑफ द लिक्विड बताना है चलो यहां से देखो इस केस में अगर देखे तो वी इधर की तरफ यानी फोर्स कौन सा लग रहा होगा mg जी साइन थीटा और नीचे लग, पीछे की तरफ लग रहा होगा विस्कस फोर्स तभी ये दोनों क्या होंगे कांस्टेंट रफ्तार से चलेंगे तो एफ वी क्वेश्चन क्या लिख सकते हैं एम जी साइन थीटा और एफ वी क्वेस्ट कितना ईटा इंटू ए इंटू डी वी बाई डी वाई यही आ रहा होगा से देखो हमें dy निकालना है है की ये जो जो में है, उसकी जीरो और इसकी कितनी दस के बराबर तो चेंज इन जो है वो दस और थिकनेस कितनी t टी के बराबर तो हमें यही निकालना ईटा ए इंटू डी डेल्टा v को क्या लिखेंगे तो टेन अपॉन में t टू एम जी इंटू साइन थी यहाँ से हम t इक्वल टू क्या लिख सकते हैं ईटा a इंटू टेन अपॉन में mg जी साइन थर्टी के बराबर यहाँ से एक चीज देखो ईटा जो दे रखा है वो टेन टू तो दी पावर माइनस वन पॉइज दिया हुआ है तो इसको डेका पॉइज में जरूर कन्वर्ट कर लेना जो कि होगा टेन टू तो दी पावर माइनस टू डे पॉइज ठीक है बस अब इसके बाद आज यही रहने देते हैं थोड़ा सा बचा हुआ पंद्रह बीस मिनट का तो अगली क्लास में खत्म करके सरफेस टेंशन वाला पार्ट शुरू करेंगे ठीक है मैं एंड कर रहा हूँ अब क्लास